हेलो फ्रेंड्स, मैं सतविंदर कौर आपका F3 रेसिपीज में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट स्पॉन्ज केक, जो कि सिर्फ बिस्किट से बनेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट बिस्किट्स, तकरीबन 20 बिस्किट्स मैंने लिए हैं, एंड ग्लूकोज बिस्किट्स जो कि 15 पीसेज हैं, और इसका मेन इंग्रेडिएंट है इनो। तो चलिए पहले हम इन सब बिस्किट्स को मिक्सर में डाल के पाउडर कर लेते हैं। अब हमारा पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मिक्स करते हैं दूध। हमने सारा दूध इकट्ठा नहीं डालना है, इसे केक के बैटर के जैसे बनाना है, इसलिए धीरे धीरे 3-3, 4-4 स्पून दूध के हम डालेंगे। ये बैटर रेडी है। अब हम इसे बेकिंग डिश में ट्रांसफर करेंगे, जिसे मैंने पहले से ही ग्रीस की हुई है। ये सारे का सारा बैटर इसमें डाल देते हैं। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, हमने इसे डिश में भी ट्रांसफर कर लिया है। पहले हम इसे हाई पावर में 2 मिनट तक रखेंगे, एंड देन इसे लो पावर में 3 मिनट्स तक माइक्रोवेव करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं हम अपने केक को। इसने अपने सारे साइड्स छोड़ दिए हैं और ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे प्लेट में टर्न करते हैं। ये पूरी तरह से बन चुका है हमारा बिस्किट स्पॉन्ज केक। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। थोड़ी सी चेरीज लगा देते हैं इसमें। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं। तो लीजिए, हमारा यम्मी बिस्किट स्पॉन्ज केक रेडी है। आप इसे जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। अपने सजेशंस और कमेंट्स हमारे ईमेल एड्रेस पर जरूर सेंड कीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।